हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता सिंह चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना की डिश। साबूदाना की खिचड़ी है जिसे आप इजली घर पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं साबूदाना खिचड़ी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमने साबूदाना को रात भर के लिए भिगो दिया था जिससे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। ऐसे हमें भिगो के ढक दिए थे ढक्कन से। छोटे पीस हमने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। मूँगफली है, जीरा है, सेधा नमक है, नींबू का रस है, हमने एक नींबू लिया है, उसका रस निकाल लिया, उसमें से हमने बीज निकाल लिया है। फ्रेश धनिया पत्ती है, हमने चार हरी मिर्चें ली हैं और करी लीव्स है। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेनी, कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए। कढ़ाई गर्म करके हमने उसमें फॉर्चून ऑयल ले लिया। आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्चून ऑयल लिया है। ऑयल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हमें मूँगफली दाने को डालकर लाल कर लेना है। इसे अच्छी तरह से हम लाल कर लेते हैं चलाते हुए। मूँगफली हमारी लाल हो चुकी है, गैस को हम स्लो कर देते हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने मूँगफली को प्लेट में निकाल लिया। इसमें सबसे पहले हम जीरा डाल देते हैं। आधा चम्मच के लगभग हमने जीरा डाल दिया है। अब उसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं। जितना आपको तीखा पसंद है ले सकते हैं। अब इसी समय हम करी पत्ता डाल देते हैं। अगर करी पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे हमने स्लो ही रखा है, जो हमने आलू काट के रखे थे छोटे पीसेस में, इसी डाल देते हैं। इसे हम ढक के पका लेते हैं अच्छी तरह से कि आलू हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। इसे ढक्कन से कर लिए, हमने आलू को मिक्स कर दिया। उसे ढक्कन से कवर कर देते हैं और गैस हमने स्लो ही रखा है। जब तक हमारी आलू पक रही तब तक हम आपको साबूदाना दिखा देते हैं। ये हमारे पास साबूदाना है, हमें इस ढंग का साबूदाना लेना। हम आपको हाथ से मैश करके दिखाते हैं। ये देखिए, जिससे हाथ एकदम मैश हो जाए, कोई भी साबूदाना एकदम हाथ से एकदम मैश हो जाए। इस ढंग से मैश हो जाए तब आप समझते हैं आपके साबूदाना की तरह से फूल चुके हैं। आलू को हम पका लेते हैं कवर करके। एक बार ढक्कन हटाकर हम आलू को चेक कर लेते हैं, आलू हमारी पकी है कि नहीं। आलू हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, हम इसमें कट लगा लेते हैं। एकदम पक चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें हम सबसे पहले साबूदाना डाल देते हैं, मिक्स कर दीजिए। लेकिन आज को हमें स्लो ही रखना है। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन बस व्रत में बना रहे हैं आप उसमें सेधा नमक डालिए। अब इसे हम इसमें सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार में डालना है। हम नमक डाल देते हैं मिक्स करके, फिर इसे कवर कर देते हैं क्योंकि इसे हमें ढककर ही पकाना है, खुला नहीं पकाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। चलिए इसे हम ढक ढक के बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेते हैं। गैस को हमने स्लो ही रखा है। जब तक हमारा साबूदाना पकता है स्लो आंच पे, तब तक हमने मूंगफली को थोड़ी, जो हमने मूंगफली रोस्ट करके निकाले थे, उस मूंगफली को छोटे से खलबट्टे में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लिए हैं। आधा ही क्रश किए हैं, आधा हमने साबूत ही बचा के रखा है क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रश करके भी डालना है, साबूत भी डालना है। एक बार हम साबूदाना भी चला देते हैं क्योंकि इसे बीच बीच में चलाते रहना है। गैस को हमने स्लो ही रखा है। कलर इसका आने लगा है, इसे तली तक लेते जाना क्योंकि साबूदाना चिपकती ही तली में। इस तरह से हमें नीचे तली तक अपने बर्तन को ले जाना है, चमचे को। और इसे जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हमें साबूदाना को ढक ढक के पका लेना है। अब इसमें हम जो क्रश किए हुए मूँगफली है, मूँगफली के दाने हैं, हम डाल देते हैं इसी में। अगर आपको क्रश की हुई मूँगफली नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, आप साबूत भी डाल सकते हैं, लेकिन हम क्रश करके भी डाल रहे हैं। आप
चाहे तो मिक्सर जार में इसे दर दरा मोटा पीस सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे मिक्स कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती, बहुत ही अच्छी बनती है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारे अच्छा लगा, हमारी ये रेसिपी साबूदाने की अच्छी लग रही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसको फिर कवर कर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें पकाने के समय लगभग 5 मिनट के लगभग लगेगा। ढक्कन हटाकर एक बार हम फिर चला देते हैं। अच्छा सा कलर आ गया, हमारी लगभग रेडी हो चुकी है साबूदाना खिचड़ी। जब भी आप साबूदाना खिचड़ी बनाइए, उसे रात भर के लिए भिगो दीजिए, नहीं तो 4-5 घंटा पहले भिगो दीजिए, तभी हमारी साबूदाना खिचड़ी अच्छी बनेगी। अब इसमें हम सब मूँगफली, जो हमने साबुत मूँगफली रखी थी रोस्ट करके, हम उसको ये डाल दे रहे हैं। अब इसी समय हम नींबू का रस डाल दे रहे हैं, हमने 1 नींबू का रस लिया था, इसे हमारी थोड़ी सी चटपटी भी बनती है। इसे मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। हमेशा मोटी तली का कढ़ाई लेना है, अगर आपके पास मोटी तली कढ़ाई नहीं तो लोहे की भी कढ़ाई ले सकते हैं। हम आपको पास से दिखाते हैं, लेकिन हमने नींबू का रस डाला है इसलिए ढक के हम 2 मिनट के लिए और ढकेंगे। हम आपको पास से दिखा देते हैं, ये देख लीजिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, अभी हमारा गर्म है। हम आपको दबा के दिखाते हैं, कितना अच्छा सा दब रहा है। अगर इस तरह से दबने लगे आपके जान जाइए साबूदाना खिचड़ी रेडी है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब इसे हम एक बार फिर चला देते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं कि नींबू का भी फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आप इसे चटनी के साथ भी ले सकते हैं, चाय के भी साथ ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे, लेकिन इसे गरम गरम ही खाइए तभी अच्छी लगती है। 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट के लगभग हो गए हैं, ढक्कन हटाकर एक बार हम फिर चला देते हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऊपर नीचे कर दीजिए, अगर आपको हल्दी पसंद है हल्दी भी डाल सकते हैं, इसे अच्छा सा कलर आता है, लेकिन हम व्रत में हल्दी नहीं खा रहे हैं इसलिए हम हल्दी नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको हल्दी खा रहे हो आप हल्दी डाल सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं, मिक्स कर दीजिए। अच्छी पक चुकी है, कलर अच्छा आ गया है। साबूदाना पकने की सबसे अच्छी चीज़ है वो सफ़ेद नहीं दिखती, थोड़ा सा कलर आ जाता है। मैं आपको पास से दिखा रही, देखिए कलर इसका अच्छा सा चेंज हो गया है, इससे हमारी खिचड़ी एकदम सॉफ्ट बनी है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने खिचड़ी के प्लेट को निकाल लिया है, हमारी खिचड़ी साबूदाना खिचड़ी रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी इसे ट्राई करिएगा, आप भी इसे बनाइएगा। अगर आपको हमारे साबूदाना खिचड़ी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, लाइक वाले बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आते रहेंगे मैं ऐसी अच्छी सी रेसिपी लेकर, मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।